श्रीलंका में चार दिवसीय आयोजित छह देशों की साउथ एशियन अंडर 19 नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता टीम के खिलाड़ी दीपिका कलायत के गांव खरक पांडवा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ युवा खिलाड़ी का स्वागत किया। जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में साउथ एशियन देशों की छह टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत की कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान की कबड्डी टीम से हुआ, जिसमें भारत ने 41-23 के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं इस जीत से दीपक के परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। प्रथम तहलका के लिए कलायत से रणदीप धानिया की रिपोर्ट।